Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. देहात के इस गांव में कुछ ही घर हैं। यहां लोग पढ़ना लिखना या अंग्रेजी भाषा उतना नहीं जानते। इसी गांव में एक पंडित भी हैं। जब आवश्यकता होती है तो गांव वाले चिट्ठी पढ़ाने या लिखाने, टेलीग्राम पढ़ाने इन्हीं के पास आते हैं। बिंदु प्रसाद, क्या चिट्ठी पढ़ाना है? वो बेटा का चिट्ठी होगा, उसे तो खाली पैसा चाहिए। ये देखो पूज्य पिताजी, यहाँ सब कुशल मंगल है। ईश्वर की कृपा से आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। पिताजी, यहाँ पैसों की बहुत जरूरत है। इस महीना खर्चा बहुत ज्यादा हुआ, तुरंत पैसा भेजिए, नहीं तो बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। ये देखो, मैंने कहा था ना, तुम्हारे बेटे को तो सिर्फ पैसे ही चाहिए। बिंदु प्रसाद, तुम एक काम करो, एक पैसों का पेड़ लगा लो, जब भी जरूरत पड़े तोड़ तोड़ कर बेटे को भेज देना। हाँ रामप्रसाद, तुमने जो जो बोला मैंने लिख दिया, सुन लो। इसके पहले चिट्ठी में पैसों के बारे में लिखा था, मगर तुमने कुछ पैसा नहीं भेजा। अभी पैसों की सख्त जरूरत है, क्योंकि सरसों खेती का समय हो गया। हमारा एक बैल बहुत बीमार है और एक खरीदना पड़ेगा। बिल्कुल, तुम्हारी माँ भी बीमार है, समस्तीपुर अस्पताल भेजना पड़ेगा। जाओ डाल दो। अरे, सब कुशल मंगल तो है? जी हाँ पंडित जी, मैं आपसे एक टेलीग्राम पढ़वाने आया था। टेलीग्राम? किसका टेलीग्राम? जी लगता है मेरे पिताजी का है। वो बहुत दूर शहर में रहते हैं, लगता है कोई जरूरी काम से टेलीग्राम किया है। आप जरा इसे पढ़ दीजिए। क्या बात है पंडित जी, कोई बुरी खबर है? हाँ बुरी खबर तो है। इसमें लिखा है कि काम करते समय सर्प यानी सांप ने काट लिया। क्या, सांप ने काट लिया? आपने ठीक से पढ़ा है ना पंडित जी? अरे मूर्ख, ये देख, यहाँ साफ साफ लिखा है COME, काम। काम मतलब काम, और SHARP, सर्प। सर्प मतलब सांप। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि काम करते समय सांप ने काट लिया। ऐसे टूटने से नहीं चलेगा बेटा। अभी तो तुम्हें अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध करना पड़ेगा। पिताजी कहाँ चलेगा? पिताजी क्या हो गया था रे उसके पिताजी को? सुना है काम करते समय सांप ने काट लिया, बेचारा। पिताजी मुझे ओम देवा मनुष्य पशवो वयंसि सिद्धाश यक्षोरगेद वयसंघा प्रेता पिशाचास्तरव समस्ता एचानभिक्षन्तु मया प्रदत्तम्। ओम जाति कुस्मै विद्वान भिन्न
क्यों भाई, गांव में सब ठीक ठाक तो है ना? इस बार दुर्गा प्रतिमा तुम लोग शहर से लाए हो क्या? भूत, अरे भागो! भूत, भूत! अरे सुनो, तुम लोग भाग क्यों रहे हो? क्या हुआ क्या? भूत बात कर रहा है। अरे ये किसे मारने जा रहे हैं? भूत तो नाक से बोलता है, शून्य पर चलता है, ये तो जमीन पर चल रहा है, ये कभी भूत नहीं हो सकता। वही तो मैं भी कह रहा हूँ। अरे तुम लोग समझते क्यों नहीं हो, मैं भूत नहीं हूँ। तुम्हें सांप ने नहीं काटा था? अरे मुझे सांप क्यों काटने लगा? फिर उस पंडित ने जो कहा? हाँ। क्या पंडित ने कहा मुझे सांप काट लिया? अरे अजीब बात है, पंडित ने तो कहा, टेलीग्राम में वही लिखा था। हाँ। पिताजी, तार में लिखा था मुझे सांप काट लिया। अरे उस पंडित ने एक जीते जागते आदमी को मार दिया, और यहाँ तुम्हारा श्राद्ध भी हो चुका। मेरा श्राद्ध हो चुका? गधा कहीं का, मूर्ख। तभी मैं कहूँ कि मेरा लड़का नौकरी पर हाजिर क्यों नहीं हुआ, टेलीग्राम में तो वही लिखा था। चलो तो उस गधे पंडित को पकड़ते हैं। चलो, मूर्ख, पता ठीक ठाक बोल नहीं सकता। दो, तीन चिट्ठी का पैसा दो, पहले का दो, अभी का एक। ए पंडित, क्यों रे, क्या लिखा था टेलीग्राम में? क्या ये भूत तो मैं आज तुझे बनाता हूँ। क्या तुम सांप काटने से मरे नहीं? मूर्ख कहीं का, पढ़ना लिखना तो कुछ आता नहीं है, खाली गांव वालों को बुद्धू बनाते हो। ए, एक गधा लाओ, इस पंडित को गधे पर बिठा कर गाँव से बाहर निकाल दो। अरे अरे ये क्या, अरे हाँ, इस गधे पंडित को गधे पर बिठाओ और गाँव से बाहर निकाल दो। चलो सुनो ना, अरे अरे सुनो सुनो ना, ए भाई सुनो। छोड़ दो मुझे भाई, इस बुढ़ापे में अपना गांव छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा? अविद्या है अज्ञान, और उसका फल है दुख कष्ट, रोग शोक, जरा व्याधि, जन्म मृत्यु आदि। इन सब की प्रतिक्रियाएं दूर होती हैं मात्र विद्या के सही व्यवहार द्वारा।